मेरा नाम रवि केलकर है और आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत सालों बाद मैं जिस परिसर में यहाँ खड़ा हूँ वहीं से मैं पास आउट हूँ इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज से। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस एग्रीकल्चर कॉलेज से मेरी तरफ से ये पहला जैविक का लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। वैसे अजीत भाई और हम लोग मिलकर के काफ़ी सारी अलग अलग राज्यों में विभिन्न विषयों पर जैविक के हम लेक्चर देते रहते हैं। आज जो मेरा इस सत्र का विषय है वो है, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, कीट रोग एवं खरपतवार प्रबंधन। निश्चित तौर पर किसान समाज के सामने कीट रोग और खरपतवार को लेकर के एक बहुत बड़ी आज विडंबना है, समस्या आती है। नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े आज खेतों में हमको दिखाई दे रहे हैं आज की तारीख में। और हमने जब अजीत भाई और हमने 20 सालों से जब इसका अध्ययन किया तो बहुत सारे कारणात इसमें आगे आए जिसका मैं आगे आपको वर्णन करूँगा। लेकिन उसके पहले नेक्स्ट लीजिएगा, इस सत्र में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं तीन चीज़ों पर फोकस करूँगा। पहला है कि हमारा पेस्टिसाइड जो हम जिसमें हर्बिसाइड भी है, वीडीसाइड हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, ये जितना भी है उसका एक इतिहास क्या है या उससे होने वाली त्रासदियाँ कौन कौन सी हैं। दूसरा, हमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इन हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड से। और आखिरी में हम जैविक तरीके से कीट रोग नियंत्रण हम कैसे कर सकेंगे। तो ये तीन विषयों पर हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत कोशिश करूँगा कि सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँ। मेरा सब किसान भाइयों से निवेदन है, आप सभी माननीय जितने यहाँ लोग वक्ता बैठे हुए हैं और श्रोता भी बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन है कि कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट लीजिएगा। इसके पहले हम जब जैविक कीट नियंत्रक की बात करते हैं तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत जोरदार इसका उल्लेख है, जैविक कीट नियंत्रकों का, रोग नियंत्रकों का, और ख़ासकर वृक्षायुर्वेद और यजुर्वेद में। एक नुष्कदर फन्नी फलहत करके भी एक ग्रंथ है जो दारा शिकोह द्वारा लिखा गया है, उसमें भी इसका वर्णन है। और इन सब का पूरा सारगर्भित वर्णन हमारे डॉक्टर स्वर्गीय वायल नैने साहब जो थे, उन्होंने बहुत सारा इनका रिसर्च कंपाइलेशन किया, संकलन किया, पुराने ज्ञान को वापस लाने का उन्होंने कोशिश किया। दुर्भाग्य से वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनका, मैं और अजीत ऋणी रहेंगे कि ये प्राचीन ग्रंथों का जो अद्भुत ज्ञान है उस अद्भुत ज्ञान को उन्होंने एक सूत्र में लाने का प्रयास किया। उन्होंने पुरानी किताबें जो संस्कृत में थी उनको ट्रांसलेट करने का प्रयास किया। इसी तरह आप देखेंगे कि पहला कीटनाशी और फफूंदनाशी हमारे बीच सल्फर के तौर पर आया। और फिर जब 17वीं शताब्दी की बात करें तो निकोटीन का उपयोग हुआ, मरकरी का उपयोग हुआ, साथ ही साथ आर्सेनिक का भी उपयोग चालू हुआ, खासकर कीट रोग नियंत्रण के लिए। 19वीं शताब्दी में सब्जियों से एक रोटेनॉन करके एक तत्व बनाया गया और ये जो है सेवंती से पायरेथ्रम, जो आज भी पायरेथ्रम कुछ देश में लोग स्प्रे करते हैं, इसका कार्यक्रम किया गया। फिर अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण में हम पुरानी पद्धति में हाथ से, बैलों से या निंदाई गुड़ाई करके हम खरपतवार नियंत्रण का कार्यक्रम करते थे। नेक्स्ट कीजिएगा। केमिकल की शुरुआत जो हुई वो हुई द्वितीय विश्व युद्ध से, जिसमें DDT BSC सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आए हमारे बीच में, खासकर मच्छरों को मारने के लिए। आपको याद होगा DDT का, तो आप जो जवान लोग हैं कुछ लोग उनको भी याद होगा कि DDT का स्प्रे लोग करते थे। इसके बाद में एक सीरीज ऑफ पेस्टिसाइड बनते गए जिसमें ऑर्गेनोक्लोरीन आया, फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आए और ये भयावह तरीके से हमारे सबके बीच अभी घर बना करके बैठे हुए हैं। विशेष तौर पर ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है, जिसमें आप क्लोरपायरीफॉस है, ट्राइजोफॉस है, ये जो केमिकल्स हैं ये बहुत डरा रहे हैं आज की तारीख में, खासकर एक्सपोर्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निर्यात की जाने वाली कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि विदेश में ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं इनको कई जगहों पर, कई देशों में बैन कर दिया गया है। आपके प्रोडक्ट में अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट इस तरह का पाया गया तो वो विदेशी आपका सामान नहीं कर देगा। नेक्स्ट कीजिएगा।
एक छोटा सा डेटा है, पेस्टिसाइड की खपत सबसे ज़्यादा दुनिया में होती है वियतनाम में, फिर अमेरिका में, और फिर भारत में। भारत में तो बहुत कम होती है, 0.6 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और कपास की अगर बात करें तो कपास में 37% और धान में 20%। मतलब कपास और धान ऐसी फसल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड उपयोग में लाया जाता है। मैं पूरा स्लाइड पढ़ूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं इसके मुख्य बिंदु आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट कीजिएगा। कुछ त्रासदियाँ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में एजेंट ऑरेंज, वो एजेंट ऑरेंज जिसमें 2,4-D जो आज हमारे खेतों में हम डालते हैं उसका उपयोग आज भी होता है उस एजेंट ऑरेंज का। कैंसर ट्रेन है, केरल का कासरगोड जिला है। हैदराबाद को मधुमेह कैपिटल बोला गया, तो एक रिसर्च फाइंडिंग्स की गई कि पेस्टिसाइड का लिंक मधुमेह से है, तो इस पर भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इस तरह के काम किए गए। ग्लाइफोसेट जो राउंडअप रेडी जो हमारे देश में आज भी प्रचलित है, वो राउंडअप रेडी जिससे कैंसर होता है, इसको अमेरिकन कोर्ट ने भी वो किया हुआ है। नेक्स्ट कीजिए। कुल मिलाकर कीड़े तो नहीं मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, ये इससे साबित होता है इस तरह के उदाहरणों से। नेक्स्ट कीजिएगा। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो खासकर इंडोसल्फान त्रासदी जो केरल में हुई थी उसके फोटोग्राफ्स हैं, जिसके कारण ये जो त्रासदी केरल के कासरगोड जिले में हुई तो उसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। इवन केरल के मुख्यमंत्री इंडोसल्फान को बंद कराने के लिए धरने पर बैठ गए। और हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमको, सच बताऊं तो ये सिखाया जाता था कि इंडोसल्फान सबसे सेफेस्ट पॉइजन है, जबकि मेरे हिसाब से ऐसे उससे कई गुना ज़्यादा जो खतरनाक केमिकल्स हैं आज की तारीख में आज मार्केट में आ चुके हैं, जो विदेशों में बैंड हो चुके हैं। चूँकि अजीत और मैं कई एक्सपोर्ट ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं इस मामले को लेकर के, तो हमको जानकारी फिर मिलती रहती कि कौन सा रसायन विदेशों में प्रतिबंधित है जो आज भी हमारे देश में चालू है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। नेक्स्ट कीजिएगा। हमारे बीच में जो चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं कीड़े बीमारियों को लेकर के। कई किसान बोलते हैं कि साहब महंगी से महंगी दवा ला ली, कीड़े मर नहीं रहे हैं, बीमारी जा नहीं रही है। जीता जाता उदाहरण हमारे पास का ही निमाड़ है, जहाँ पर लोग मिर्ची में वायरस का प्रकोप आने पर थक गए, दवा डाल डाल के थक गए, लेकिन वायरस उसके सिस्टम से गया नहीं। निश्चित तौर पर बहुत सारे कारण थे, मैं आगे इसकी चर्चा करूँगा, लेकिन हमको ये जितने भी विशेष तौर पर बिंदु हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक आखिरी बिंदु मैंने जो लिखा है कि कीट शिफ्टिंग हो रहा है सोयाबीन में। हमने कभी, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सोयाबीन में वाइट ग्रब क्या होता है वो हमको मालूम नहीं था, सच बताऊं। अभी 2-3 साल पहले कई खेतों में वाइट ग्रब का प्रकोप आया। शिफ्टिंग ऑफ मतलब कीड़ों का एक फसल से दूसरी तरफ फसल की तरफ शिफ्ट होना। उदाहरण के तौर पर हमारे बीच जो बीटी कपास आज आया, और निमाड़ में खासकर जहाँ जो कपास का बेल्ट है पूरा का पूरा, वहाँ बीटी कपास में हमने वैज्ञानिक लोगों ने इल्ली रोकने की जरूर कोशिश की उस बीटी क्रॉप में, लेकिन हमको आगे चल करके 4 साल बाद क्या होगा इसका अंदाज़ा नहीं था। आज अजीत और मैं उस बीटी कपास के जोन में जब जाते हैं काम करने के लिए, तो हमने देखा कि वहाँ वाइट फ्लाई या सकिंग पेस्ट का अटैक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो बीटी जिस उद्देश्य के लिए हमारे बीच में लोगों के बीच में, चूँकि वो जैविक में तो अलाउड है ही नहीं, अप्राकृतिक तरीके से तैयार किया हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए आया था कि किसान का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन, एक टिकाऊ उत्पादन लंबे समय तक देगा, वो ऐसा आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है 10 वर्षों के बाद में। यहाँ किसान के यहाँ, किसी भी निमाड़ के किसान के यहाँ आप जाकर के बीटी कपास में जब उसकी तकलीफ़ों के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो, तो वो यही तकलीफ बताता है कि साहब मेरा खर्चा जो है जिस उद्देश्य के लिए अब मैंने ये कपास लगाया वो खर्चा मेरा बढ़ा, मेरा खर्चा कम नहीं हुआ, और कीड़ों का प्रकोप खासकर सकिंग पेस्ट या रस चूसक कीड़े जो हरे मच्छर हैं, सफ़ेद मक्खी है, उनका प्रकोप भारी मात्रा में, भारी संख्या में आज निमाड़ के वहाँ बढ़ा। और आप माने या ना माने, ये रिसर्च का विषय है, लेकिन जो मैं और अजीत ने अपनी आंखों देखी, ये अनुभव किया है उस चीज़ को लेकर के, हमारा ये मानना है कि ये मिर्ची में जो वायरस की शिकायत आई या वायरस सिस्टम में बढ़ा, निश्चित तौर पर मैं केवल मिर्ची की नहीं बात कर रहा हूँ, दूसरी फसलों में भी वायरस का प्रकोप
जिसको हम ग्रामीण भाषा में कोकड़ापन बोलते हैं, वो बढ़ा। और यह आप मानो या ना मानो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। रिसर्च का भी विषय निश्चित तौर पर कि सकिंग पेस्ट सबको मालूम है, रस चूसक कीड़े वायरस कैरियर का वाहक का काम करते हैं, जिसमें वाइट माइट्स भी है, जिसमें थ्रिप्स भी है, ये अलग अलग प्रकार के सकिंग पेस्ट है। ज़्यादातर ये वायरस के कैरियर का काम करते हैं और इनकी वजह से जो मैं बीटी कपास का, क्योंकि कपास और मिर्ची का जोन एक जोन है, आपको मालवा में मिर्ची का जोन नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ कपास लगी वहाँ वहाँ मिर्ची का जोन मिलेगा। तो इस तरह की समस्याएँ हमारे को बढ़ने लग गई। कैंसर, पार्किंसंस, जीते जागते उदाहरण है आज हमारे सामने, जीते जागते। अभी मैं जिस इंदौर जिले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पाटीदार समाज के लगभग मेरे ख्याल से 12 से 13 गांव हैं। उन गांव में कैंसर के मरीज बढ़ने लग गए, तब जाकर के अजीत भैया और मेरी पूछ परख ज्यादा बढ़ गई। विडंबना है, जैविक ही इसका एकमात्र आंसर है, चूंकि पेस्टिसाइड से कैंसर होता है। जैसे मैं कई बार, हम सरकार से कई बार इस बात की गुहार लगाते हैं कि जिस तरह सिगरेट से कैंसर होता है या हो सकता है, इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कई जगहों पर, तो पेस्टिसाइड से कैंसर होता है। इस बात के लिए आज भी हमको लड़ना पड़ रहा है कि पेस्टिसाइड, जहरीले पेस्टिसाइड जो अपन बाजार से खरीद करके डालते हैं, वो कैंसरकारी हैं। अजीत और मेरे पास ऐसी कई रिपोर्टें हैं, तमाम डॉक्टरों की रिपोर्टें हैं, पीजीआई चंडीगढ़ की रिपोर्टें हैं, जिन्होंने पेस्टिसाइड के, उन्होंने जांच करी है उनके मेडिकल कॉलेजेस में, और कैंसर इसके लिए पेस्टिसाइड को जिम्मेदार माना है। नेक्स्ट कीजिएगा। बहुत सारे पशु पक्षी, बर्ड्स, स्पेशली जो आपके सांप हैं, इनकी आबादी बहुत बड़े पैमाने पर इन पेस्टिसाइड के कारण कम हुई है। निश्चित तौर पर कई इलाकों में हमको, चूंकि खेती के लिए हमको जंगल काटना है, जंगल काट करके हमने जानवरों का सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, तो जानवर हमारे खेतों में घुसने लग गए। जंगली सुअर, आपका नील गाय, ये सबसे बड़ी आज की तारीख में समस्या है। एज अ पेस्ट, मतलब देखिए, पेस्टिसाइड शब्द एक बहुत वृहद शब्द है, इसको केवल आप कीड़े और रोग तक सीमित मत रखना, मैंने इसमें जानवरों को भी सम्मिलित किया हुआ है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको पहले ही कहा कि मौसम परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हुआ, इसमें कीट की प्रजनन कार्यक्रम बहुत अलग तरीके से बदला, ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हुई। निमाड़ में हो सकता है, मैंने बीटी का कारण बताया हो, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसके कारण भी निमाड़ में जो हमको सकिंग पेस्ट का अटैक, या इवन मालवा में भी सोयाबीन में वाइट फ्लाई का अटैक ज़्यादा मात्रा में आना, ये क्लाइमेट चेंज को इससे हम लिंक कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इससे हमको आगे परेशानी ही परेशानी हुई, मौसम में जो बदलाव हुआ, तो कीटों के बिहेवियर में, उनके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट कीजिएगा। फिर हमारे सामने जो बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं कि ऑर्गेनिक के उत्पाद जो मिलते हैं मार्केट में बहुत महंगे रहते हैं, केमिकल के बराबर या उससे कभी कभी कई गुना ज़्यादा, ये भी हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे इसका सबका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बारीक बारीक चैलेंजेस है जिससे किसान जैविक की तरफ मुड़ना तो चाहता है, लेकिन मुड़ने के पहले ये सब बाधाएं हैं, उन बाधाओं को उसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट कीजिएगा। एक भय मेरे मन में है, जो बहुत विचित्र भय है, कि जैसा ये कोरोना आया ये कोरोना को हम कंट्रोल करने में, अभी तो फिलहाल में बहुत मुश्किल हो रही है हमको कंट्रोल करने में, लेकिन कल को ऐसा ना हो कि प्लांट वायरस ह्यूमन बींग्स पे, जानवरों पे अटैक करके हमारे भीतर बीमारी ना फैलाना चालू करे। ऐसे कुछ उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ उतने भयावह उदाहरण नहीं है, लेकिन इस तरह के हमको भय है, इसलिए मैंने आपको ये किया। किसानों की क्या सोच है? अजीत भैया और हम लोग, सच बताऊँ, एक बोलते हैं बात, मार्केट नहीं मार काट, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट नहीं मार काट। सामने वाले डीलर ने मेरे को पेस्टिसाइड दिया कि तू खेती में डाल करके आ, लेकिन खेती में डालने, उसको डालने के बाद में कितने दोस्त मरेंगे, कितने दुश्मन मरेंगे, इसका अंदाजा सामने वाले ने मुझे ज्ञान ही नहीं दिया। उसने कहा कि तू इल्ली दिख रही है, तू तो डाल करके आ, सारे मर जाएंगे। तो ये समझ किसानों की हमको विकसित करने की जरूरत है। त्वरित रिजल्ट की चाहत, आज डालू कल मर जाए इल्ली, इस तरह की चाहत है हम सब में निश्चित तौर पर। आर्थिक विश्लेषण जरूरी नहीं कि जो दवा आज से 15 साल पहले 400 रुपये लीटर की बिकती थी, आज वही दवा 800 रुपये लीटर और 1000 रुपये लीटर की हो गई है।
लेकिन वो सोच नहीं बन पाई, वो विश्लेषण किसानों के पास आज नहीं पहुंच पाया जो आज आप और हम लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि भैया इतनी महंगाई हो गई लेकिन उत्पादन क्या डबल हुआ। 10 साल पहले गेहूं का उत्पादन अगर 15 क्विंटल बीघे का था या 10 क्विंटल बीघे का था तो क्या वो 20 क्विंटल बीघे का हो गया, लेकिन खर्चा उसी अनुपात में बढ़ा क्योंकि पेस्टिसाइड का आर्थिक विश्लेषण भी नहीं हुआ निश्चित तौर पर। और लोगों की सोच, जैसे अजीत भैया और हम लोग सारी टेक्निक को बताते हैं कि इसका क्या सब्सटीट्यूट है, मोनोक्रोटोफास का सब्सटीट्यूट क्या है, ट्राइजोफास का क्या सब्सटीट्यूट, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में हम ने ये सब ज्ञान पढ़ा हुआ है, तो हमको इसका सब्सटीट्यूट बताना चाहिए। किसान तो यही बोलेगा कि भैया मैं ये दवा डालता हूँ इसका सब्सटीट्यूट क्या होगा। तो अगर हम उसको घरेलू सब्सटीट्यूट बताते हैं कि घर पर ही भैया ये सब बना लो, गौमूत्र गोबर गुड़ जो भी आपको ये करना है, चूँकि अजीत और मेरा काम पूरा साइंटिफिक बेस को साथ में हम ले जाने का काम करते हैं, तो किसान बोलता है नहीं भैया हम ये इतना काम करेंगे नहीं। बुरा मत मानिएगा, आज आलस्यता बहुत ज़्यादा आ गई है किसान समाज में, और आलस्यता आ गई है तो लोगों को आकर्षक पैकिंग चाहिए, रेडीमेड चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि एक हम बोलते हैं कि धतूरे का काढ़ा डालो, वो 5 पत्ती में एक धतूरा एक वन ऑफ द इन्ग्रेडियंट है, एक अवयव है इसमें से। निमाड़ में एक 400 रुपया का एक धतूरे के काढ़े का पाउच मिलता है दुकानों में। अब किसान को बोला भैया तुम्हारे सामने धतूरा पड़ा है, तुम इसका काढ़ा बना करके तुम खुद ही बनाओ। नहीं, बोले भैया पैकेट का माल अच्छा रहेगा। तो ये समझ को हमको बदलने की ज़रूरत है। और आखिरी में आप सबके सबसे एक चिंतन का विषय है कि कीड़े रोग और खरपतवार को भगवान ने बनाया है, उनको हम कौन होते हैं मारने वाले। अगर हम उनको मारने जा रहे हैं तो किस उद्देश्य से मारने जा रहे हैं, किस हद तक मारने जा रहे हैं, ये हमको विचार मंथन करना पड़ेगा। ये फिलॉसफी की भाषा है, अध्यात्म की भाषा है, लेकिन हमको इस पर चिंतन करना पड़ेगा। इसके आगे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट कीजिए। हाँ, एक छोटा सा पिक्चर मैंने आपको जो अभी जितनी भी बात कही, एक हमारे किसान की पीड़ा है, वो पीड़ा मेरे ख्याल से आप लोग देखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, और उसके बाद फिर आगे इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान, जितनी भी बातें मैंने आपके बीच में कही उसका समाधान मैं आपको बताऊंगा। पिक्चर चला दीजिए आप। आज हमारे काश्तकारों के साथ ये क्यों हो रहा है कि प्राकृतिक प्रकोप, वायरस ने आ जाना और ये सारी चीजें काश्तकार पर ही क्यों आती है? हम उस स्वार्थ के बदले इतने अंधे हो गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा फसल लेने के लिए हम पूरी जनता को जहर खिला रहे हैं। हम अन्नदाता है, हम जहर खिला करके प्राणदाता बन गए, और प्राणदाता बने तो हमने कितनी जिंदगियों से खिलवाड़ किया। आज मैं देखता हूँ जब अस्पताल किसी पेशेंट को देखने जाता हूँ, रिश्तेदार को, तो वहाँ लगता है कि यार ये हमारे अन्नदाता की देन है, इसलिए ये खचाखच अस्पताल भरे हुए हैं। और वो जो कलप रहे हैं उनकी कल्पित दुआएं काश्तकारों को बददुआएं दे रही। मैंने जब इस पर आध्यात्मिक सोच के मानसिक गहन अध्ययन किया तो दोषी हम ही पाए गए। तो जवान और किसान कैसा होना चाहिए? किसान भले ही वो अपने उत्पाद का मूल्य ज्यादा ले, परंतु अगर वो जैविक खिलाएगा तो लोगों को सेहत बदलेगी और उनकी दुआएं मिलेगी, नहीं तो अस्पतालों से बददुआएं हमारे खेतों में आएगी और खेतों में आएगी फसल पर आएगी। मेरा मानना यही है कि ये सारी चीजें हमारी ही बोनी के हैं, हम जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं। हमारे पूर्वज जो पर्यावरण छोड़ के गए हैं वो हम कौन सा पर्यावरण दे के जाएंगे? हम केवल घुटन दे जाएंगे कि वो घुट घुट करके मरे। एक ऐसी पीड़ा कभी कभी यहाँ बैठ करके मैं खेत पर 3 बजे रात को आ जाता हूँ, यही सोचा करता हूँ कि मालिक तेरे अलावा कोई नहीं है, कौन बचाए इनको, सद्बुद्धि दे दे मेरे किसान काश्तकार भाइयों को, जिनका नाम अन्नदाता है वो जहरदाता कैसे बन गए थोड़े से स्वार्थ के कारण। ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल है, उसमें सारी ऑर्गेनिक से रिलेटेड, जैविक से संबंधित हिंदी भाषा में इस तरह का, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। ये फोटो आप लोग जो प्रोडक्ट का देख रहे हो ये क्या चीज़ है, भला है।
तो एक ये वसुधा मूवमेंट पूरे निमाड़ में बहुत बड़े स्तर पर ये फैला हुआ है, इसके हम लोग हम उनको सपोर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए। पीपीटी को नेक्स्ट अब स्टार्ट कीजिएगा। इस किसान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, कल्पित दुआएं। मैंने पहली बार हिंदी का शब्द सुना, ऐसी दुआएं भी कभी कल्पित होती हैं क्या? तो वो उसके दिल की जो बात निकली उसको लेकर के, एनीवे हम जब कीट संसार की बात करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर अगर माने तो एक खेत में 70% के आसपास लाभदायक कीट जो हमारी मदद करते हैं, और 30% कीट ऐसे होते हैं जो हानिकारक हैं। और आपको इसकी खूबी बता दूं, ये ज़्यादातर जो आपके मित्र कीट हैं ये मांसाहारी हैं, आपको बड़ा अजीब लगेगा। और इधर ये जो कीट आपको दिखा रहे हैं जिनको हम दुश्मन कीट बोलते हैं वो शाकाहारी हैं। तो जो मित्र कीट हैं जो मांसाहारी हैं वो दुश्मन कीड़े के अंडे इल्ली इनको ख़त्म करने का काम करते हैं। खेत में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मित्र कीटों की संख्या ज़्यादा बढ़े, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जितने कार्य हो रहे हैं उसमें मित्र कीटों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है। हर नाना प्रकार के मित्र कीट, अलग अलग प्रकार के, जैसे ये जो एक क्राइसोपा करके झिल्ली वाला कीड़ा है, अब ध्यान से सुनिएगा आप, ये कीड़ा जो है ये मक्के के खेत में, ज्वार के खेतों में, बाजरा के खेतों में बहुतायत पाया जाता है। आप जहाँ भी मक्का बाजरा ज्वार लगाओगे वो बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है। हमारे किसान को ज्ञान नहीं था, पेस्टिसाइड का पंप लेकर के स्प्रे करने इसको भी मारने चले गए, बोले भैया खेत में फुद्दी बहुत उड़ रही है, बोले। तो इस तरह की जन जागृति किसानों के बीच में माइक्रो सूक्ष्म लेवल पर हमको फैलाना जरूरी है, ताकि हम मित्र कीटों की संख्या, हमारा प्रयास ये होना चाहिए, यहाँ तो केवल मैंने मित्र कीट की बात करी, पर ये मित्र कीट मैं ज़मीन के ऊपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़मीन के नीचे के मित्र कीट जैसे केचुआ है उसको बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए, जिसकी चर्चा अजीत भाई अभी नेक्स्ट उसमें कार्यक्रम में करेंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। रोगों के संसार की बात करें तो तमाम प्रकार की बीमारियाँ आज फसलों में लग रही है, खासकर पिछले कुछ वर्षों में फफूंद जनित और वायरस जो कोकड़ापन जो फसलों में ला देता है, ऐसी बीमारियों का बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर खेतों में आज दिखना चालू हो गया है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं क्लाइमेट चेंज के कारण, ये बेमौसम बारिश गिरना, ओले पड़ना, पाला पड़ना, पाले से कई सैकड़ों हेक्टेयर की फसलें हर साल किसान की बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह की जो अजैविक कारण हैं ये भी हमारे को बहुत आज की तारीख में तकलीफ दे रहे हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। खरपतवारों की बात करें तो खरपतवार के लिए आजकल मजदूर नहीं मिलते, तो लोगों को बिल्कुल त्वरित सब चीज़ें चाहिए, तो खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल करना खेतों में, इस तरह का कार्यक्रम चालू हो गया। लेकिन एक बात खरपतवारों से हमको सोचने और समझने वाली बात है कि प्रकृति के सर्वाधिक नज़दीक रहने वाले ये पौधे हैं, और प्रकृति के सर्वाधिक नज़दीक जो व्यक्ति रहता है वो बहुत रफ एंड टफ रहता है, बहुत पहलवान आदमी रहता है। जैसे उस पर आप देखिए, अक्सर आप देखे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी आदमी अमर है, लेकिन खरपतवारों पर कीट और रोग ज़्यादा लगते हैं कि कम लगते हैं, बताइए आप लोग? कम लगते हैं। हमारी फसल पर क्यों ज़्यादा लगते हैं? आपको पता है क्यों ज़्यादा लगते हैं? आप बहुत लाड़ प्यार करते हो उसको, आप उसको उसके हाल पर छोड़ते नहीं हैं, हमारे को उससे उत्पादन लेना है ना, तो हम कभी ये उसके उससे जानने की कोशिश करें कि भैया तेरे को दवा चाहिए कि नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती दवा पिलाना, ज़बरदस्ती खाद ज़्यादा डालना, इस तरह का मेरा कहना है छोटे शब्दों में कि लाड़ प्यार बहुत होता है फसलों से, और जहाँ अपने खुद के बच्चों से देख लो, ज़्यादा लाड़ प्यार करोगे तो बिगड़ेगा ही बच्चा, तो निश्चित तौर पर वो कमज़ोर होगा बच्चा। तो ये खरपतवारों का भी हमारे को एक सिद्धांत है कि हम खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, इसकी बाद में करूँगा मैं, तो अभी एक जस्ट आपके बीच में मानसिक एक कीड़ा छोड़ रहा हूँ आपके मन में कि ये सब विषय हैं, इसको अपने को ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट कीजिएगा। हम जब कीट रोग और खरपतवार ये समग्र चिंतन के तौर पर हमको आगे इस कार्यक्रम को ले जाना है, मैं अभी आपको अलग अलग नहीं बताऊंगा कि कीड़े को ऐसे कंट्रोल करते हैं, रोग को ऐसे कंट्रोल करते हैं, और चारे को ऐसे कंट्रोल करते हैं खरपतवार को, एक समग्र चिंतन हमको करना पड़ेगा। आमतौर पर आज की तारीख का चिंतन क्या है? आज का चिंतन है कि दवाई लाओ डालो, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ,
अब ये जितने बिंदु मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, यहां बैठे जितने भी किसान आदमी हैं या जो खेती करते हैं करवाते हैं, हम लोगों ने एक पूरा चार्ट लिस्ट बनाई, उसमें उस लिस्ट में हमने मार्किंग दी कि कौन व्यक्ति क्या गतिविधि करते हैं, और वाकई में इन गतिविधियों को उसकी एक बाकायदा हमने एक सूची बनाई, और उस सूची के अनुसार हमने किसान को बोला, कोई किसान इनमें से हो सकता है, मैं आपको 50 बातें बताऊं और 50 में से हो सकता है 25 बातें ही करे, 25 ना करे, ये समझ हो, लेकिन जिस किसान ने 40 मतलब मोर देन 75% 75% के ऊपर इन बातों को अपना लिया, उन किसानों के यहाँ कीट रोग और खरपतवार से उसको ज़्यादा परेशानी नहीं आई, उसको लड़ने की ताकत ज़्यादा पैदा हुई। तो एक एक करके मैं बिंदुवार बताना चालू करूंगा। पहला है मेड़ खेती। ये मेरा खेत है, खेत की मेड़ में आज ऐसे यहाँ कितने किसान हैं जिनके यहाँ मैं आज जाऊंगा, जिनकी खेत की मेड़ पर पेड़ लगे हुए हैं, हाथ उठा दीजिए। 3 किसान, 4 किसान हैं, 5 हैं, सभी समझदार हैं, इनको मालूम है मुझसे ज़्यादा क्या क्या परेशानी आती है और क्या क्या अच्छा लगता है उसमें। परेशानी आती है भैया, किसानों के पास जाके बोलो भैया पेड़ की छांव पड़ेगी तो हमारी फसल कमज़ोर होती है। मैंने कहा भैया कितने पट्टे की फसल कमज़ोर होती है पहले तो ये बताओ, अपन उसका एरिया वाइज कैलकुलेशन करें कि मैंने इस बागड़ पर पेड़ लगाया है तो इसमें यहाँ जो फसल लगाई है उस पर छांव पड़ेगी तो कितनी पड़ेगी, और अगर छांव पड़ेगी तो छांव में उगने वाली दूसरी फसलें भी तो लगाई जा सकती कि नहीं लगाई जा सकती, हल्दी है, अदरक है, इस तरह का चीज़ों का हम कार्यक्रम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कोई हल्दी अदरक नहीं लगाना चाहता है तो मैं इसको कहता हूँ कि जो पेड़ आपने लगाया है उस पेड़ से आप इतना कमा सकते हो कि आपके बुढ़ापे की पेंशन योजना आपके लिए हो जाएगी। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो किसान बताया था, इस किसान के यहाँ बागड़ बागड़ पर पूरे पौधे लगे हुए हैं, खेत के अंदर भी लगे हुए हैं। ये मेरे को बोलता है भैया मेरा अगर मेरे बेटों से झगड़ा हुआ तो मैं एक ही काम करूंगा, बेटों को बोलूंगा तुम बीच का खेत रख लो, मेरे बाकी पूरा आस पास का पूरा मेरे को पेड़ पेड़ का मेड़ का पेड़ दे दो, क्योंकि मेड़ की पेड़ पर से आमदनी के साथ साथ मिट्टी का कटाव रुकेगा, ठंडी हवा जो पाला पड़ने की शिकायत, गर्म हवा, ये लू लपट, ये इस तरह से पूरा का पूरा बचाव होगा। जो खेत चारों तरफ से मेड़ से ढके हुए हैं, मेड़ चारों तरफ से या दो तरफ से भी पूर्व पश्चिम दिशा से भी अगर ढके हुए हैं तो भी उन खेतों में कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कंपेरेटिवली तुलनात्मक बहुत कम होगा। ये जो एक पौधा देख रहे हैं ग्लेरिसिडिया, गिरिपुष्प हम इसको बोलते हैं, ये गिरिपुष्प उंदिरमार बोलते हैं महाराष्ट्र में इसको, ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको बहुत प्रमोट किया, कर्नाटक गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया, राजस्थान में भी प्रमोशन है, अपने मध्य प्रदेश में कम है। ये पौधा लगाने से आपकी खेत के अंदर दीमक का प्रकोप कम हो जाएगा। इस पौधे का रस में कड़वापन रहता है, हमने वाइट ग्रब के लिए इस पौधे को हमने ड्रेंचिंग करी इसके कड़वेपन की, वाइट ग्रब को भगाने के लिए, क्योंकि मिर्चिन बहुत स्तर पे कुछ एक दो खेतों में आया तो हमारे को ये बहुत भारी सफलता इस पेड़ का रस डालने के बाद में मिली। मैं उसके फॉर्मुलेशंस के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, डिटेलिंग बाद में करेंगे। फिर खुद का बीज अगर देसी हो तो अच्छी बात है, देसी बीजों का संकलन हमारा खुद का बीज होना चाहिए। कोशिश करें हाइब्रिड को धीरे धीरे सिस्टम से हटाएं, कोशिश करना है हमको। लेकिन मैं आपको एक मिराकल बताता हूँ, हम झाबुआ ज़िले में काम करते हैं देसी बीजों को लेकर के, फॉल आर्मी वर्म मक्के का जो कीड़ा आया, अभी लड़ाई ना मक्के में भयंकर 3-4 साल से, लोग थक गए पेस्टिसाइड डाल डाल करके, फॉल आर्मी वर्म गया नहीं, लेकिन देसी मक्का जो है, जो झाबुआ ज़िले के जो सफ़ेद देसी मक्का लगाते हैं उसमें बहुत कम प्रकोप आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आया प्रकोप, प्रकोप हर जगह आएगा, अगर प्रकोप नहीं आया तो मैं ही खुद एक ईश्वर हो जाऊँगा आपके लिए, लेकिन कंपेरेटिवली जो स्टडी की गई तो देसी मक्के का, मैं स्पेशली आपको देसी बीजों को लेकर के इसमें इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि हर देसी बीजों में भी सिलेक्शन और चयन ज़रूरी है, हर देसी चीज़ को ला करके अच्छी अच्छी करके ऐसा अंधा पट्टी आप लोग मत बांधिएगा। अगर आपने कहीं से देसी बीज लाया है तो आपको आपके खेत में उसको, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने किसी जगह से मूंग का बीज लाया और मूंग के बीज का मैंने देसी बीज लाया और खेत में लगा दिया, हो सकता है
उसमें वायरस का अटैक आए, येलो मोज़ेक का उसमें अटैक आए, वायरस विषाणु का अटैक आए, मैं उस समय क्या करूंगा, उस देशी बीज का चयन करूंगा और चयन करके अपनी वैरायटी खुद आगे बनाऊंगा। ऐसा अजीत भाई और हम लोगों ने कई किसानों के साथ काम किया, सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन करके हमने उसको आगे बढ़ाया और उसमें वायरस का और बीमारियों का अटैक बहुत कम आया आगे आने वाली पीढ़ी में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक हम लोग बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के कैलेंडर का उपयोग करते हैं, पंचांग। और आपको बता दूं, मैं खुद चूँकि पढ़ा लिखा हूं तो मैं अपने गुरुजियों पर, गुरुजी जनों पर, डॉक्टर सोलंकी साहब पर 10 साल तक मैंने विश्वास नहीं किया। मैं इस पंचांग के ऊपर तब विश्वास किया जब बोने का समय कब होना चाहिए, क्या कब लगाना चाहिए, जब डॉक्टर आर के पाठक साहब CIHS लखनऊ के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने चूँकि इस पंचांग के ऊपर बहुत शोध कर चुके थे तो वो मेरे पास आए, रवि तुम इस चीज़ को थोड़ा, यार तुम पढ़े लिखे हो तो तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर तुमको समझ में आ गया तो ट्रायल डाल दो, बोले। तब मेरे भेजे में घुसा कि नहीं, वाकई में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी खेत में जाते हैं और इस किसी खेत में ज़्यादा मात्रा में एक पैच में कीड़ा लगा हुआ है, इस एक खेत में कम मात्रा में लगा हुआ है, एक ही वैरायटी, एक ही फसल, बोनी का टाइम किसी का सुबह का है, किसी का शाम का है। तो किसान बोलता है, भैया हमको तो यही बात समझ में आती कि सुबह की बोनी और शाम की बोनी में फ़र्क रहता है। बस वही पॉइंट हमने पकड़ा और ये कैलेंडर को हमने साइंटिफिकली स्टडी किया, पूरी दुनिया इसको मानती है, ये कैलेंडर हम लोग बनाते हैं। आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से सबको भेज दूंगा, अभी अजीत भाई के पास अगर कभी हो तो अपन व्हाट्सएप के माध्यम से दे भी सकते हैं। कोशिश करिए, इसमें जो बताई गई तिथियां हैं ये बहुत बारीक है, ये बहुत विस्तृत विषय है, लेकिन इसमें बताई गई जो विधियाँ तिथियाँ हैं उनको आप अगर कोशिश करें अपने खेत में डालने की तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, कीट रोग प्रकोप से बचने का फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। एक दो चीज़ों का इसमें मैं बताना चाहूँगा विशेष लोक कैलेंडर को लेकर के। पहला है, इसमें दो तिथियाँ हैं, पूर्णिमा के दिन आपने सोइंग नहीं करना, पूर्णिमा के दिन ध्यान से सुनिएगा, पूर्णिमा से 48 घंटे पहले सोइंग करना फर्स्ट, और दूसरा शनि चंद्र आमने सामने, शनि और चंद्र आमने सामने, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये टोटली साइंटिफिक स्टडी है। उस दिन की डेट हम निकालते हैं, उस दिन बोई गई फसलों में आप आजमा करके देख लेना, इस प्लॉट पर मैंने शनि चंद्र आमने सामने बोया हुआ है, आज इस दिन मान लो आज की तिथि है और दूसरे साइड में दूसरी तिथि है, आपको बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा, स्पेशली इंसेक्ट और डिसीज़ कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दीज आर द, ये बहुत इस तरह की चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें हैं जो पूरी साइंटिफिक बेस्ड है, वैज्ञानिक शोध इस पर पूरी तरह हो चुका है। तो ये सारे उत्तराखंड गवर्नमेंट हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, सारी जगह ये कैलेंडर जाता है और हम लोग तो हजारों जगह इसके ट्रायल करवा चुके हैं, सारी फसलों में, धान से लेकर के आलू से लेकर के सब फसलों में। किसानों के खुद होकर के फ़ोन आते हैं कि भैया, किसान भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, कुछ देर पहले तांबे साहब बोल रहे थे ना, वो भी हमको हमारी परीक्षा लेता है, भैया ऐसा इसमें ऐसा किया तो क्या, इससे क्या रिजल्ट आया। तो इस तरह की चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में हम बीज का हम काम करते हैं, बीज उपचार का, जिसमें हम बीज उपचार आप किसी से भी कर सकते हो, चाहे वो बटर मिल्क से कर लो, चाहे वो आप बीजामृत से कर लो, बीजामृत एक मेथड है, चाहे वो गोमूत्र से ट्रीटमेंट कर लो, जो जैसा आपके पास अवेलेबल साधन हो। हम बीज का टीकाकरण करेंगे तो हमको रोग कीड़ों से बचाव होगा, 100% बचाव होगा। आज ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर किसान जो केमिकल ट्रीटेड बीज नहीं रहता है, खासकर गेहूं हो गया, मक्का हो गया, घर का आमतौर पर रहता है, इसका उपचार घर पर नहीं करते। बाजार से ट्रीटेड जो बीज आता है वो तो केमिकली ट्रीटेड रहता है, रसायन से उपचारित रहता है, लेकिन इसका उपचार लोग नहीं करते। तो इसका भी आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, जो हम लोगों को करवा रहे हैं फ़ायदा। नीचे हम कहते हैं ज़मीन की छेड़छाड़ कम करो भैया, चीरफाड़ कम करो भैया, क्या होगा, जमीन के लाभकारी जीव, आज पूरी दुनिया मिनिमम टीलेज से लेकर के कहीं तो जीरो टीलेज पर की बात करने लग गई, पूरे बाहर के जितने फॉरेन नेशंस हैं। आज हम निवाड़ में जाते हैं तो कपास और मिर्च के बीच में किसान बोलता है कि भैया मेरे को तो बीच में से डोरा घेरना ही घेरना है, बोले
और मैंने कहा भैया जमीन को ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो यार। नहीं नहीं बोले भैया जब तक डोरा नहीं घेरूंगा तब तक मेरे को दिल को शांति नहीं पहुंचेगी। तो मैंने कहा कम से कम छेड़छाड़ अगर हम करेंगे तो जो जहरीली गैसों का उत्सर्जन है वो उस पर हम रोकथाम कर सकेंगे, और दूसरा जो माइक्रोब्स हैं जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी आबादी को भी हम कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे अच्छे जीवों की संख्या भी बढ़ा पाएंगे इस कार्यक्रम में। नेक्स्ट कीजिएगा। फिर मैंने आपको पहले ये बता ही दिया कि हाथ निंदाई हल्के मशीनों से बैलों से ये खरपतवार नियंत्रण के देशी तरीके हैं। जैविक में अभी ऐसी कोई दवा नहीं आई है, आप किसी मुगालते में मत रहिएगा कि जो खरपतवार नाशी जैविक का कोई खरपतवार नाशी है। लोग पूछते हैं हमसे प्रश्न, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी तक ऐसी कोई भी दवाई नहीं आई है और न इन दवाइयों को मान्यता मिली हुई है। लेकिन खरपतवार का नियंत्रण, चूंकि देखिए मैं और अजीत पिछले 5 साल से बहुत घबराए हुए हैं, हम जिस जोन में बैठे हुए हैं वो मालवा का जोन, हम गेहूं का जोन माना जाता है यहाँ का, दुनिया का। मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट गेहूं यहाँ पैदा होता है दुनिया का, सबसे अच्छी क्वालिटी का। लेकिन उस गेहूं को भी आज किसानों ने नहीं छोड़ा, चारा मार दवा अंधाधुंध तरीके से भारी मात्रा में गेहूं की फसल को भी में लोग डालने लग गए, और ये बहुत खतरा और चिंता का विषय है। बहुत इसके बारे में हमको विचार मंथन करना पड़ेगा। देखिए मजबूरी है कि हम खरपतवार नाशी डालना ही डालना है, तो फिर फांसी के फंदे लटकने वाला कार्यक्रम हो जाएगा। सीधी सीधी बात है उस घर वाले को, ये सब बहाने हैं। 8-10 साल पहले भी किसान वही काम करता था। चूंकि लोग अब सहूलियत की खेती चाहते हैं तो ये हमको वापस से उस दौर में वापस लौटना पड़ेगा। तो यांत्रिक तरीका एक बहुत सुंदर तरीका, इसके बाद में मैं आगे और बताऊंगा खरपतवार नियंत्रण का और कौन सा तरीका हो सकता है। प्रॉपर डिस्टेंस रखो भैया, घास जैसी फसल बो दी। हरदा जिले में जाते हैं 80-80, 100-100 किलो 1 एकड़ में गेहूं बोते हैं लोग। क्या है, मैंने कहा यार भैया, नहीं बोले भैया ज़्यादा बोएंगे तो ज़्यादा पाए काटेंगे बोले। मैंने कहा भैया ज़्यादा घास पैदा कर दोगे तो घास में जो बीच में सूरज बाबा की रोशनी, जिससे कीड़ा और रोग, बारिश के टाइम पे तो सबसे बड़ा यही समस्या आती है कीड़े और रोग की। तो जब आप डिस्टेंस सही रखोगे, दूरी सही रखोगे फसल की, आजकल तो क्लोज प्लांटिंग की बात आ गई है, लेकिन वो क्लोज प्लांटिंग में ये भी हमको समझना पड़ेगा, क्लोज प्लांटेशन की बात आती है, अमरूद में भी क्लोज प्लांटेशन की बात आती है, लेकिन हमने कई एरियाज में देखा है क्लोज प्लांटेशन करने से तकलीफ़ ही तकलीफ है। एक तो पौधा ऐसा जंगल में जैसे पौधे रहते हैं वैसा ऊपर की तरफ भागता है, हम उसको अंग्रेजी भाषा में एटियोलेशन शब्द बोलते हैं, है ना। फल और फूल कम लगते हैं उसमें कंपेरेटिवली, तो हमको पौधे को घेराव करके ले चलना है, जैसा आप लोग चने में भी करते हो। चने में जितना ज़्यादा घेरा बनेगा उतना ज़्यादा फुटाव अच्छा होगा, लेकिन घेरा बनने के लिए जगह तो चाहिए भैया। जगह ही अगर आपने चिपका के कर दी, सीड रेट 20 दर ज़्यादा रख दिया, तो रोग और कीड़ा डेफिनेटली आपको परेशान करेगा। ये हम लोगों ने कपास मिर्ची जैसे कई फसलों में ये ट्रायल करके देखे, किसानों को कोशिश किया कि भैया जो सोयाबीन तुम बोते हो तो सोयाबीन को पास में मत बोए भैया, थोड़ा 16 इंची के गाले पे बो दो भैया, 14 इंची के गाले पे बो दो। 12 इंची पे ही चलता है आदमी कई बार, तो 10 इंची पे भी कई बार चल जाता है। तो घास जैसा कार्यक्रम नहीं करना है, सही वैरायटी का चयन करें, रोगरोधी वैरायटियाँ। मैं आपको एक बार और स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, मैं देशी बीज का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, आज भी बोल रहा हूँ मैं आपसे, लेकिन देशी बीज का हम जब सिलेक्शन करते हैं, वो सिलेक्शन चयन करते हैं, किसी किसान से लेकर के आते हैं, तो पूरी तरह पट्टी बांध करके पूरे खेत में सारा देसी बीज लगाने के पहले हमको हमारे खेत में ट्रायल लगाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मिर्ची के खेत में हमने ऐसा भी देखा कि कुछ देसी वैरायटियों में कुकड़ापन आया मिर्ची के खेत, लेकिन हमने जब उसका सिलेक्शन करवा करके फिर आगे हम उसको लेकर के गए तो उसमें कुकड़ापन नहीं आया। तो इस तरह का प्रयास, हम जब सही वैरायटी सही किस्म का चयन करें, चाहे देसी किस्म हो, तो हमको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लीजिएगा भैया। हाँ, ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र हमने किसानों से सीखा, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। झाबुआ जिले का किसान, खासकर आदिवासी किसान, मैं केवल झाबुआ जिले की नहीं बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ आदिवासी एरिया में हम लोग काम करते हैं वहाँ का किसान मिश्रित खेती का कार्यक्रम करता है। आपको 1 एकड़ में झाबुआ जिले में, खासकर मैं पेटलाव तहसील की अगर बात करूँ, तो वहाँ 1 एकड़ में कम से कम
8 प्रकार की फसलें एक एकड़ में मिलेगी, मोर देन 70-75% किसानों के यहाँ, जो उनकी बहुत बड़ी खूबी है, जो मेरे गुरु हैं किसान मिराज गुरु। मैं किसी एक आदमी को गुरु नहीं मानता, मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से भी कई मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने बातें सीखी, जिनके खेत पर गया, उसने ऐसा गुरु मंत्र दे दिया कि भैया ये ऐसा काम करोगे तो बहुत ज़ोरदार काम करोगे। अब आदिवासी किसान जो है वो मिश्रित पद्धति करता है ना, लेकिन ज़्यादातर किसान मिश्रित पद्धति करने में वो ऊपर नीचे होते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ भैया पट्टा पद्धति में कर लो दादा, अकेली फसल मत लगाओ, अंतर्वर्ती में लो चीज़ों को लेकर के। मेरे खुद का एग्जाम्पल खेत का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरे खुद का एग्जाम्पल ले लूँ, सोयाबीन के साथ में हमने 2 लाइन मक्के की लगाई, मिर्च के खेत में हमने मिर्च 4 लाइन मिर्ची है तो 2 लाइन मक्के की बीच में पट्टा फंसाया, हमने दीवाल खड़ी करी। क्या करी? करी दीवाल। दीवाल आप ऐसी तो नहीं खड़ी कर सकते, आप तो फसलों की दीवाल खड़ी कर सकते हो अभी तो फिलहाल में। और कीट और रोग ना के बराबर भाई साहब उसमें लगा, फॉल आर्मी वर्म तक का अटैक हमारे खेतों में ना के बराबर आया। इवन जो मिर्ची है, मिर्ची में जो वायरस की शिकायत आती है जिसमें पत्तियां खुलती नहीं है, तेज चलनी चाहिए पत्तियां, खुल करके चलनी चाहिए, मक्के की दीवार लगाने से, आप मक्का नहीं हो तो ज्वार की दीवार लगाओ, बजरे की दीवार लगाओ आपके एरिया के अनुसार, लेकिन मक्का की दीवार हमने लगा करके देखी और उसमें भारी, जिस हिसाब से हमने जो एक जिसे कहते हैं ना सूक्ष्म जलवायु वाला कार्यक्रम उसमें निर्मित कर दिया, माइक्रो क्लाइमेट जिसकी हम बात करते हैं, वो हमने कार्यक्रम को ये करा तो हमको भारी सफलता रोगों और कीड़ों को रोकने में, मतलब हमको मिली इस चीज़ को लेकर के। तो ये हमको करना है। कीट प्रतिकर्षक फसलें गेंदा है, अंबाड़ी है, इस तरह की बहुत ट्रेडिशनल फसलें जिनको हम सब भूल चुके हैं। बुरा मत मानिएगा, मालवा के किसान यहाँ बैठे हुए हैं, मालवा के किसानों को ये खेती सब छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी निमाड़ का किसान इस खेती को पकड़ा हुआ है। मालवा के कुछ किसान करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह करना है। तो मैंने आपको मेड़ खेती की बात करा था, जैसे मैं मेड़ पर पेड़ लगाऊंगा तो पेड़ को पैदा खड़ा होने में तो 4-5 साल का वक्त लगेगा ना, तब तक किसान क्या करेगा, भैया मेरे को तो दीवार खड़ी करनी है। तो बॉर्डर फसल हम तुअर की, ज्वार की, मक्का की, ये बॉर्डर फसल लगा करके हमारी अंदर की जो फसलें हैं उसको हम सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं हमारी तरफ से। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, मक्का लगाओगे तो मक्के में मित्र कीट बहुत आता है, गेंदा लगाओगे तो गेंदे से इल्ली का बहुत अच्छा बचाव हो जाता है, इल्ली का ट्रैप क्रॉप का काम करता है, निमेटोड एक जड़ गांठ रोग आता है सब्जियों में, दूसरी फसलों में, मिर्ची में, तो उसमें आपका पूरा का पूरा गेंदे के उससे बचाव हो जाता है। और हमने अजीत भैया ने हमने गेंदे की 400-500 एकड़ की खेती करवाई लोगों को, एक बायबैक एग्रीमेंट के साथ, एक कंपनी के साथ में। और जिस खेत में आप गेंदा बोते हो उसके अगली फसल, चाहे वो गेहूं ले लो चाहे वो भी ले लो, अरे लाजवाब हाई, मतलब आपको बाकी इवन गोबर खाद भी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हरी खाद का काम कर लेता है। तो इस तरह के एडवांटेज लाभ हमको जो भी चीज़ लगा रहे हैं उसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट लीजिएगा भैया, खाद पकी हुई होनी चाहिए, खाद अगर पकी हुई नहीं होगी तो उसमें देखिए, गोबर खाद हम खेतों में डालते हैं तो उसमें सबसे बड़ा शिकायत क्या आती है, चारे के बीज बहुत रहते हैं। बोले भैया गोबर खाद से चारे के, तो खाद पकाने का सिस्टम हमारा सही होना चाहिए, पौधे के पास ऐसा फेंक करके देने की बजाय कोशिश करें, पौधे के लोकलाइज प्लेसमेंट की हम बात करते हैं कि पौधे के पास में दें, इस तरह का काम करें, संतुलित सिंचाई का काम करें, और जिससे रोग और कीड़ा हमारा कम लगेगा निश्चित तौर पर। कोई बात, नेक्स्ट लीजिएगा, मल्चिंग से बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, एक तो खरपतवार नियंत्रण पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगा, कीड़े मकोड़े जो पौधा है, जो जिस जगह का पौधा है वो पौधा अलग आपसे बात करने लगेगा, उसमें रोग और कीड़ा हमारे को कम मिलता है अगर मल्चिंग प्रॉपर ढंग से हम करें एक प्रैक्टिस के साथ में। नेक्स्ट कीजिएगा, ये अलग अलग तरह के यांत्रिक तरीके भी हम लोग खेतों में अपनाते हैं, जैसे पीले नीले ट्रैप लगा दिया घर पर ही अपने, बरसाती रहती है, बरसाती में अरंडी का तेल चुपड़ दिया पीले रंग और नीले रंग में, अरंडी का तेल चुपड़ करके ये टी आकार की खूंटी लगा दी, इसके ऊपर अगर एक पक्षी भी बैठ सकता है आराम से, पक्षी आपका फ्री में काम कर देगा, आपको फ्री में आपका कीड़ा भी कंट्रोल हो जाएगा, खासकर इल्लियाँ। और ये प्रकाश प्रपंच है जो हमने डालडे का डब्बा लिया और डालडे के डब्बे में चारों तरफ से खिड़की बना दी और बीच में एक बल्ब फंसा दिया,
तो शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक इसका एक टाइमिंग हमने फिक्स कर लिया। और आजकल तो ऐसे चार्जेबल बल्ब आ गए कि वो 3 घंटे ही चलते हैं, तो शाम को रोज़ चार्ज करके, तो कम से कम जिस टाइम पे अगर कीड़े का प्रकोप ज़्यादा है तो उस टाइम पर हम लोग खेतों में इसका प्रयोग करवाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट लीजिएगा। ये कुछ जैविक कीट नियंत्रक हैं जो बहुत आपको बताना चाहूँगा, जो हम अजीत भैया हम लोग हमेशा बोलते हैं 5 सोने के सिक्के किसान को दे के जा रहे हैं। तो पहला सिक्का है, नेक्स्ट कीजिएगा, गौमूत्र। गौमूत्र हमको इकट्ठा करना है हर किसान को, जिसके पछाड़ वाले हिस्से में, मैं देखिए हम तो गाय की बात करते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन कई किसान बोलता है मेरे यहाँ तो भैंस है, मेरे यहाँ तो बैल है। तो मैंने कहा भैया उनका भी इकट्ठा करना चालू करो, लेकिन कोशिश करो गौमूत्र अगर इकट्ठा कर सको। मेरे पास और अजीत भाई के पास साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, गौमूत्र से क्या और मिरेकल हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। तो ये हमको इकट्ठा करना है, और गौमूत्र प्लास्टिक के ड्रम में आप इकट्ठा करो, 2-2 साल 3-3 साल तक भी इकट्ठा करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। गौमूत्र खेती का आधार है, जो हमारे कीड़े मकोड़े के नियंत्रण में भी काम में आएगा और हमारे खाद बनाने काम में आएगा। नेक्स्ट लीजिएगा, एक बीज का अर्क हम लोग, बहुत सुंदर अर्क है, जिसमें हम 3 किलो निम्बोली लेते हैं। मैं आपको फार्मूलेशन लिखा देता हूँ, फटाफट लिख लो आप, चूँकि ये फार्मूला बाद में, या बाद में पूछ भी सकते हैं। 2 किलो आपने महुआ का टोली ली, जो टोली आती है महुआ की, 2 किलो आपने करंज का बीज लिया, इसको अच्छा बारीक कूटा, और कूट करके इसमें 5 लीटर गौमूत्र और 20 लीटर पानी मिला करके इसको गलाना है। इसको उबालना नहीं है, अजीत भाई और हम लोग उबालने का काम करते थे, हमने उबालने का काम टोटल अब बंद कर दिया। कोशिश करते हैं कि ये इसको हम गला करके रखें और सारा कड़वापन, देखिए नीम की निम्बोली का अर्क बहुत फेमस है अपने आप में, वो इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने ये 2 चीज़ और इसमें ऐड की है और ये बहुत इफ़ेक्टिव इसमें हमको इसका रिजल्ट मिला है। ये बीज का अर्क है और इस तरह का काम हम करते हैं, और इसको 20 दिन में आपके यहाँ ये अर्क तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिएगा, ये अलग अलग प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा किया, इस सब का हमने, महाराष्ट्र में 10 पर्णी अर्क चलता है, तो हमने वो 10 पर्णी का छोड़ करके जो जैसी अवेलेबल हो, नीम, अकाव, धतुरा, बेशरम, रतनजोत, आपका अरनी, ये ऐसी अलग अलग प्रकार की हमने पत्तियां ली। इन सब पत्तियों का हमने वही फार्मूलेशन, हमको ध्यान रखना है कि 5 लीटर गौमूत्र और इसमें पानी कम करना है, 12 लीटर पानी करना है इस अर्क में। और 0.5 किलो हमने महुआ लिया, महुआ इसलिए लिया क्योंकि महुआ एक एल्कोहलिक सब्सटेंस है, तो वो सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपने देखा होगा एल्कोहल मिलाया जाता है, तो मैं एक ये टेक्नोलॉजी एक आयुर्वेदाचार्य से सीखा कि अगर सॉल्यूशन को बहुत दिन तक मेंटेन करके चलना है, ख़राब नहीं होने देना है, तो हमने महुआ इसके अंदर डालना है। सारा ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अगर किसी को ज़रूरत लगती है तो साइंटिफिक बेसिस सारा मेरे पास है, सारे पेपर्स हैं, सारे रिसर्च पेपर्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और इस तरह का ये फार्मूला है, मैं आपकी इसकी डोजिंग बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट करिएगा, ये अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, हर एक का मतलब, आपके निर्गुड़ी है, कनेर है, बबूल है, बबूल की पत्तियों में एंटी फंगल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, एक केजुरीना करके आता है, जंगली झाऊ बोलते हैं, उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। बांस है, बांस की पत्ती में रिचेस्ट सोर्स, सबसे बढ़िया सिलिका कंटेंट है, तो इसको लेकर के हमने, इनके गुण धर्मों को लेकर के हमने 5 पत्ती काढ़े बनाने का काम चालू किया। नेक्स्ट कीजिएगा, एक बहुत सरल फार्मूला है जिसको FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रमाणित किया। इन्होंने 0.5 किलो मिर्च ली, अच्छी चरखी वाली जिसमें चरखापन हो, जो कैप्सिसिन के कारण हम लोग लेते हैं, अदरक लिया, प्याज लिया, ये बहुत सरल फार्मूला है, 0.5 किलो 3 प्रकार की चीज़ें ली, साथ में अगर किसी फसल में फफूंद की शिकायत हो तो उसको हमने 0.5 किलो अदरक भी मिलाया, क्योंकि अदरक एक बहुत अच्छा जिंजरॉल होने के कारण बहुत अच्छा फंजीसाइड है। तो हमने चारों को मिला करके चटनी बनाई, 4 लीटर कुनकुने पानी में इसको डाला, और उसके बाद में 1 दिन तक इसको भिगो करके रखो, सूती कपड़े से छान करके अगले दिन 0.5 लीटर एक पंप में लेकर के हमको स्प्रे करना है। तो ध्यान रखिए, जितने 3 फार्मूले मैंने बताए, छोटी फसल में 250 ml और बड़ी फसल में 500 ml, मतलब 0.5 लीटर, ये तीनों फार्मूले ध्यान रखना, तीनों का डोजिंग ध्यान रखना। एक पंप में 16 लीटर पानी रहता है, तो उस हिसाब से मैं अलग अलग आपको इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि फिर याद नहीं रहेगा, कन्फ्यूज आएगा कि कौन सा फार्मूला किस में चला गया, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट कीजिएगा, छाछ को पकड़ना जरूरी है, बहुत सुंदर फंजीसाइड है छाछ, आश्चर्य लग रहा है ना सुन करके,
बहुत सुंदर फंजीसाइड है, बहुत सुंदर इंसेक्टिसाइड है। और छाछ का प्रयोग हम ताजी छाछ स्प्रे करते हैं तो लैक्टोबैसिलस का बहुत अच्छा है। एक तो लैक्टोबैसिलस हम खाद पकाने में तो छाछ का उपयोग करते ही करते हैं, लेकिन फंगल डिसीज को भगाने के लिए हम छाछ के रेगुलर स्प्रेस खासकर मिर्च और कपास के खेतों में और सब्जी भाजी के खेतों में ये करवाने का कार्यक्रम करते हैं ताजी छाछ का। और इसी छाछ को हम 15 से 20 दिन पुराना कर देते हैं और इसमें हम एक तांबे का लोटा डालते हैं या तांबे का धातु का कोई यो डालते हैं तो कॉपर इसमें इसका रंग चेंज करता है 15 से 20 दिन के बाद में। जैसे रंग चेंज हुआ तो हमको समझ जाना है कि हमारे घर का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तैयार हो गया। हजारों किसानों ने जो कपास और मिर्च की खेती करते हैं जिसमें खासकर फंगस की शिकायत होती है, उसके लिए रामबाण फार्मूला ये छाछ का है, तांबे वाली छाछ के नाम से फेमस है जगह जगह पर, कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मेरे को नहीं लाना है मार्केट से तो मेरा सब्स्टिट्यूट क्या है, तो कॉपर का सब्स्टिट्यूट हमने ये किया और इसके रिजल्ट बहुत ज़ोरदार मिले हमको। साथ ही पुरानी छाछ जो है इल्ली नियंत्रण का भी बहुत ज़ोरदार काम करती है। नेक्स्ट कीजिएगा। ये जितने फार्मूले मैंने आपको बताए किसान को बता के आ जाते हैं, किसान बोलता है नहीं भैया हमको तो बाटल बंद चाहिए। तो ऐसे FPOs चालू किए, 8 जगह ऐसे प्रोडक्शन सेंटर निमाड़ में है और दूसरे स्टेट राज्यों में है, ऐसे 8 जगह प्रोडक्शन सेंटर चालू किए। हर प्रोडक्शन सेंटर का अपना अलग अलग नाम है, ब्रांड नेम अलग अलग है। 50 रुपये लीटर में किसान को ये बेचते हैं किसान लोग, हम लोग नहीं बेचते, हम तो टेक्नोलॉजी खोल करके आ जाते हैं। और आपको बता दूं एक एक सेंटर से 70,000 लीटर, 50,000 लीटर, किसी से 25,000 लीटर ऐसा काम चल रहा है। आपसे निवेदन है आप लोग इस सेंटर को देखने जाओ। एक सेंटर मोठापुरा खरगोन जिले में है और एक सेंटर डेढ़ तलाई करके जगह है खंडवा के पास में, वहाँ एक सेंटर इस्टेब्लिश है। वहाँ आँखों से लोग कैसी दवा बनाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। अभी कलेक्टर साहब ने भी दोनों जगह पर कलेक्टर साहब ने पुरस्कृत किया है इस अनूठी मिशन को, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बनने के लिए कदम है। निश्चित तौर पर हमारी इच्छा होती कि आप लोग घर पे बनाएं ये दवा, लेकिन मजबूरी है कि आज जो मॉडर्न ज़माना कहता है कि साहब हमको तो रेडीमेड चाहिए, आप कुछ भी कर लो, कितना भी पैसा ले लो, ये मजबूरी है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इनको बहुत लो कॉस्ट पर ले जाया जाए, बहुत नीचे स्तर पर इसको ले जाया जाए कम कीमत पर। नेक्स्ट कीजिएगा। बस ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगी कि हाँ, एक बहुत जो लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि जितने भी बायोपेस्ट कंट्रोलर हैं, जितनी भी दवाइयाँ मैंने आपको बताई, उनमें हमने क्या किया कि ये बीज अर्घ, 5 पत्ती काढ़ा और आपका निम्बोली वाला जो बीज अर्क है और 5 पत्ती काढ़ा और GOC पेस्ट जो है, इनको तीनों को मिला करके वो जो आपको बॉटल बताई थी ना, वो तीनों को हमने कंबाइन कर लिया। वो फार्मूला अभी हमने अलग अलग लोगों को नहीं दिया, नहीं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया इल्ली के लिए कौन सा फार्मूला, भैया माइट्स के लिए कौन सा फार्मूला, भैया थ्रिप्स के लिए कौन सा फार्मूला। वो ऐसे में लोग उलझते हैं। फिर आप मार्केट जाओगे, मैं चाहता तो इसके कम से कम 10 प्रोडक्ट बना देता है ना, मैं 10 प्रोडक्ट बना सकता हूँ इस चीज़ के, लेकिन हमने एक कंबाइन किया तीनों फार्मूले को। और मैं आपको विश्वास करो या ना करो, इतना ज़ोरदार कार्यक्रम कर पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में ये लोग इस फार्मूले को अडॉप्ट करते हैं। हमारी और अजीत भैया की दिली इच्छा है कि गौशालाओं के माध्यम से गौशाला स्वावलंबी बने या किसान के माध्यम से जो भी हो, इस प्रकार की किसानों की फैक्ट्रियाँ बननी चाहिए जगह जगह लोकेशन पर, तब जा करके हम केमिकल लॉबी को हरा पाएंगे। नहीं तो केमिकल लॉबी आज की तारीख में बहुत डोमिनेंट हमारे ऊपर, डोमिनेंट सुविधा देने में, तो हम ऐसी सुविधा उनकी टक्कर में क्यों नहीं करें कि जिससे हम उनको हरा सकें, हम उनके सामने खड़े हो सकें, किसानों को हम अच्छी सस्ते दरों पर उपलब्ध करा सकें, क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकें। अभी यूनिवर्सिटी के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इस तरह के प्रोडक्ट्स को वेरीफाई अगर कर लेती है, सत्यापित भी कर लेती है, तो हमारे लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा एंगल हो जाएगा, सब आगे चल करके बहुत अच्छी सफलता मिल पाएगी। एक लास्ट बस पॉइंट था, ये जितने भी दवाएं मैंने आपको बताई, ये बहुआयामी तरीके मतलब मल्टी डायरेक्शनल काम करती हैं। जैविक की दवाइयों के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी दवा आती है
तो मैंने आपको बोला कि पत्ती का काढ़ा बना करके डालो, तो पत्ती का काढ़ा आपके कीट के साथ साथ रोग कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो इसका डायरेक्शन केवल कीट कंट्रोल करने का नहीं है, और कीट भी स्पेसिफिक कीट कंट्रोल करना है तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता सकता हूँ कि आप मिर्ची डालो चरखी वाली। लेकिन अगर इसको बहुआयामी तरीके से हम सब किसान भाइयों ने उस नज़रिए से देखना है, कोशिश करना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बीमारी आने से पहले रोकथाम कर ली जाए। और ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी और कीड़ा आ रहा है तो किस कारण से, किस गलती से हमारा आ रहा है। क्योंकि मेरे साथ ऐसे कुछ किसान हैं जो बोलते हैं भैया हम ये दवा नहीं डालेंगे, क्योंकि उनका खेत उन्होंने इस तरह से बना लिया, जो मैंने आपको इसके पहले दवा के पहले जो सारा चीज़ें सिस्टम बताया था, वो सिस्टम में आने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो निश्चित तौर पर ये दवा अभी हम उन किसानों को दें। आप लोग में से ये फार्मूला पूरा खुला हुआ है, ये ओपन बुक है, कोई भी व्यक्ति इसको अपने खेत पर गांव पर बना करके इसको बहुत बड़े बड़े तरीके से फैला सकता है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय भी ले चुका हूँ ज़्यादा, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगर कोई प्रश्न हो तो कोई पूछ सकते हैं। इसके पहले मैं स्लाइड के लास्ट में था, 9826398263 3075।